नंदन कौर पुलिस और चौकी इंचार्ज बिलासपुर को चेकिंग के दौरान पैर में गोली मारकर घायल करने वाले बदमाश के बीच हुई पुलिस मुठभेड़। चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज बिलासपुर को पैर में गोली मारकर घायल करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु कई थानों की टीमों को लगातार फॉम्बिंग की गयी। फॉम्बिंग के दौरान पुलिस द्वारा एक बदमाश विपिन नागर उर्फ जेपी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पिस्टल की बरामदगी के लिए कई जगह अभियुक्त द्वारा पिस्टल बरामद कराते समय छुपी पिस्टल को उसकी जगह से निकालकर पुलिस पर फायर करते हुए जानलेवा हमला किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण अभियुक्त विपिन नागर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। आज शाम को 3 बजे चौकी क्षेत्र बिलासपुर थाना क्षेत्र धनकौर में सब इंस्पेक्टर अंकुर चौधरी को चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिन्हें रोकने पर उन्होंने सब इंस्पेक्टर अंकुर पर गोली चला दी जो उनके पाँव में लगी थी। सब इंस्पेक्टर अंकुर अब इलाजरत हैं तथा खतरे से बाहर हैं। कॉम्बिंग के दौरान इनमें से एक बदमाश विपिन नागर उर्फ जेपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसे हथियार की बरामदगी के लिए दोबारा मौके पर लाया गया तो उसने पहले से छिपाए हुए हथियार को से का प्रयोग कर पुनः पुलिस पार्टी पर फायर का प्रयास किया, फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में कार्रवाई की, जिस जो एक गोली उसके पैर में लगी है। इस समय वह उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। ज्ञात हो कि इस अपराधी का पूर्व में आपराधिक इतिहास, विस्तृत आपराधिक इतिहास है तथा इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा चुकी है तथा यह दोनों जो अपराधी हैं इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक, बल्कि 2 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं।